दीवानों को ना घर चाहिए ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए। वेटेड वीडियो आज बना ली है हमने हिमालयन और हमारे यजदी एडवेंचर के बीच में, तो दिखाते हैं आपको, एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं और दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस के बारे में भी जिक्र करते हैं। और ये गाइस, जैसे कि आपको पता, ये है हमारा यजदी एडवेंचर और ये है हमारे फ्रेंड का रॉयल एनफील्ड हिमालयन। तो मेरे साथ हैं मेरे दो एक्सपर्ट, यू कैन से, जिन्होंने ये गाड़ियाँ राइड की हैं, स्पेशली रॉयल एनफील्ड और एक्सपल्स वगैरह। तो मेरे साथ हैं संजू जी, हेलो सर, क्या हाल है जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये हैं हरपाल जी, ये हमारे मोटो एक्सपर्ट हैं, काफ़ी सुपर बाइक्स के एक्सपर्ट हैं ये, इन्होंने काफ़ी राइडर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइडर हैं ये। तो सर, आपका, आपको बुलाने का मेन मकसद आज यही रहा है मेरा कि ये जो दो गाड़ियां हैं, ठीक है, तो हम एक न्यूट्रल सा रिव्यू देंगे, सो दैट जो जो यजदी एडवेंचर को प्रेफर कर रहे हैं ओवर रॉयल एनफील्ड, या जो रॉयल एनफील्ड प्रेफर कर रहे हैं ओवर द यजदी एडवेंचर, तो उनको कुछ क्लैरिटी मिल सके। सर, मेरा नाम संजीव भाटिया, मैं एक्चुअली टेक्नीशियन हूँ। मैं, हमारा एक क्लब है, क्लब जहाँ क्लब में हम राइड वगैरह करते रहते हैं, तो उसमें क्या है कि मेरा एज ए क्रू मेम्बर हूँ मैं, एज ए टेक्नीशियन उनको मैं, जब हम राइड पे जाते हैं कोई प्रॉब्लम आती है गाड़ी की, तो वो सारी वो हम कवर करते हैं। और इनको इसीलिए बुलाया गया है गाइस कि हम एक जेन्युइन एक्सपर्ट एडवाइस ले सकें इस बाइक, इन दोनों बाइक्स के बारे में। दोनों गाड़ियों में सर ऐसा हिमालयन जो है इसका फ्लफी है थोड़ा देखने में, और इसका जो इंजन है वो 410 cc है जी, और जो हमारा वो यजदी है एडवेंचर ये है 350 cc, और लाइट वेट बाइक है, अच्छी बाइक है, दिखने में सुंदर है। और प्लस पॉइंट इसमें काफ़ी देख सकते हैं, एक तो जैसे इन्होंने ये इसके ऊपर ये लगा रखा है वायर कवर, टैंक के ऊपर वायर कवर लगा हुआ है, दैट इज प्लस पॉइंट जी। और दिखने में अग्रेसिव है बाइक, चलने में भी बहुत अच्छी बाइक है, स्मूथ है बाइक जी जी जी। तो सर ने राइड लिया इस गाड़ी की जैसे हम एंटर हुए हमारे फार्म हाउस में, तो ये इन्होंने चला के दिखा था। कुछ इंजन में सर आप बताना चाह रहे थे? सर, इंजन में मेन तो है इसकी जो पावर है वो दूसरी गाड़ी से ज़्यादा बेटर है। ओके। जब इसका इंजन का बोर है जो 81 का बोर है, और हिमालयन का है 78 का। ओके। जैसे हम इसका हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, हमने थोड़ी देर पहले ट्राई किया था हमने बाइक का, जो इसकी पावर है मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। अभी एक्चुअली मैं जाता रहता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ बाइक पे, बस जैसे मैंने देखा है मेरा एक्सपल्स और हिमालयन पे बहुत अच्छा रिव्यू रहा है। सबसे अच्छी जो इसकी स्मूथनिंग है गाड़ी की, इसकी जो सीट है या कुछ भी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो नई बाइक आई है अभी यजदी की, इनको टक्कर देने वाली बाइक है, जो हमने अभी इनको चलाया था ऑफ रोडिंग में, जो हमारे यहाँ पे गन्ने के ईक हैं, बहुत ही दलदल टाइप होता है कुछ, जो ऑफ रोडिंग से भी ज़्यादा एडवेंचर, मतलब ख़तरनाक बोल सकते हैं उसको, वहाँ पे भी ये बाइक बिल्कुल जैसे हम पंजाबी में बोल देते हैं धक्कड़ बाइक है, जो इसकी मतलब कोई रीस नहीं है। ओके, ग्रिप काफ़ी अच्छा है, ग्रिप गाड़ी का अच्छा है जी, ज़्यादा बढ़िया। अंदर एक तो जो हिमालयन की लाइट स्टील है
ओके, और उसकी मूवेबल है। तो लाइट जो आप बोल रहे हो ये मींस ये स्टील है, ये स्टील है। ओके, तो इसमें क्या है कि आप बाइक चला रहे हो हिली एरिया पे हो तो उसमें मूव करने में साइडें वगैरह दिखती नहीं। ओके, इसमें ये प्लस पॉइंट मेरे को अच्छा लगा इसका। ओके, तो इसकी जो लाइट है, लाइट मूवेबल, ये मूवेबल है हैंडल के साथ। तो इसका सर हैंडल घुमाएंगे एक बार जरा, ये देखिए गाइस इसकी जो लाइट है वो स्टेडी है। जो इसका मीटर है सर इधर देखो, इसको हम एडजस्टेबल है, ऊपर भी कर सकते हैं जहाँ से एडजस्ट हो जाता है। ओके, मीटर जो है इसकी जो अकॉर्डिंग, जी जी जी, ऐसे खुल जाता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। ये देखिए नीचे ऊपर नीचे हो गया, ऊपर हो गया। ओके, और मोर ओवर ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सर। मोर ओवर ये एक डिजिटल है, मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, इसके ऑडोमीटर को। तो ये डिजिटल है, इसका मीटर जो है दैट इज एनालॉग। तो ये है जो इसके क्लिपर के जो कवर है ना, ये देखिए प्लीज आइए इधर, ये क्लिपर है और ये इसका कवर है, डिस्क के ऊपर जो क्लिपर लगा हुआ है, ये इसका है, कवर बना हुआ है, कवर बना हुआ है। हमने ये इसके ऑफ रोडिंग की थी गाड़ी की, ये देखिए मड, इसके ये इसके ऊपर मड पड़ी है, ये देखिए, तो अंदर नहीं गई, ये लगा हुआ है। इस पे नहीं लगा होता तो इसमें मड चली जाती, ऐसे ही आगे लगा हुआ है देखो दोनों पे। ये इन्होंने जसदी वालों ने बहुत अच्छी जो एडवांटेज है वगैरह। और दूसरी साइड ये देखिए हिमालयन के, इन्होंने जो कवर है वो नहीं दिया हुआ है इसके ऊपर, इसके ऊपर कवर नहीं। हाँ, जो लेकिन थोड़ी इसकी सेफ्टी भी है, इसकी थोड़ी कम है सेफ्टी, इसमें थोड़ा मड चला गया है नीचे डिस्क के अंदर। जी जी। और जो इसका ये देखिए सबसे मेन बात है, जो प्लस पॉइंट है ये देखिए, इन्होंने जो ब्रेकिंग ऑयल जाता है, जो रियर ब्रेकिंग ऑयल है, इसका कवर दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से, और इसकी फुल सेफ्टी है। जैसे हम गाड़ी इसके नीचे ब्रेक ऑयल है गाइस, सो इसको इन्होंने सिक्योर कर दिया है ये लगा के, तो डिब्बी को कवर किया हुआ है। अगर गाड़ी को हम पहाड़ी रास्ते में लेके जाते हैं बाई चांस, मान के चलो कोई छोटा कोई लकड़ी का टुकड़ा आ जाता है, कोई थोड़ा पत्थर आ जाता है, उसकी वजह से सेफ होती है, बिल्कुल सिक्योर है जो। जी जी जी। और दूसरी तरफ हम वो देखिए थोड़ा माइनस पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब यही देखिए, ये इसका माइनस पॉइंट है सर, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि इसका पॉइंट कम से कम आगे होना चाहिए, ताकि गाड़ी जब चल रही है डेजर्ट एरिया में, वहां से कोई पत्थर यहाँ पे लग के इसको तोड़ ना दे। अगर ये टूट गया, डैमेज हो गया, तो आप हिली एरिया पे कहीं भी ड्राइव कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इसका मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। जी, तो बोलना है कि मतलब ये है कि ये थोड़ा सिक्योर होना चाहिए आगे, या इसके कवर के अंदर कहीं इसको फिट कर देना चाहिए। अगर यहाँ भी है तो इसका एटलीस्ट कुछ स्ट्रॉन्ग सा कवर हो उसके ऊपर, सो दैट कहीं ये प्लास्टिक का टूट ना जाए। जी अच्छा, और क्या चीज बता रहे हैं सर आप? और इसमें मेन जो फीचर दिए गए, जैसे रेनी मूड दिया गया इसमें, ऑफ रोडिंग मूड दिया गया इसमें, और ऑन रोड मूड दिया गया इसमें। जो सबसे बढ़िया फीचर है जो ट्रैम बाइक में आता है, सुपर बाइक में। ओके, ट्रैम बाइक की फीचर्स, जैसे कि गाइस मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था इसके, सो ये इसके तीन ऑपरेशनल मोड हैं, तीनों इसमें दिए गए हैं अभी। वो जैसे हम देखते हैं जसदी वालों ने सबसे लो प्राइस में, ये फीचर अभी तक किसी गाड़ी में नहीं आए हैं जो जसदी वालों ने दिए गए हैं, ये देखिए। और एक इसके अंदर जो प्लस पॉइंट है, इन्होंने इनबिल्ड ही इसके अंदर आपको माउंट दे दिया चार्जिंग का। जी जी जी, राइट राइट राइट। और प्लस इन्होंने जो ये कवर लगाया, इससे जो वायरिंग है सारी वायरिंग कवर हो जाती है, वो मतलब अच्छा लगता है। अब हिमालयन के अंदर क्या है, यहाँ से चेसी जो ओपन दिखती है वो थोड़ा अजीब लगती है आपको, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हिमालयन के इधर इस तरफ से कोई कवर नहीं है जी, यहाँ पे ये वायर्स वगैरह बिल्कुल ओपन दिख रही है। और आगे आप आओगे तो आगे भी इन्होंने क्या किया, हिमालयन की तरफ से ये जो वायरिंग दिख रही है, ये सभी हिमालयन में उन्होंने इसको कवर नहीं किया, वो इसको कवर करना चाहिए, कवर होनी चाहिए। तो एज कम्पेयर टू यसदी एडवेंचर, इसमें कोई वायरिंग का इशू नहीं है, इशू नहीं है, दिखने में अच्छी लग रही है। यहाँ पे वायरिंग प्रॉपर कवर है, तो ये जो लाइट के अंदर गई हुई है वायरिंग अच्छी है, वो लाइट के सिर्फ बाहर दिख रही है सारी वायरिंग। जी 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 जी। सर एक इसका बात कर रही है अभी इंडिकेटर, और इसके थोड़े क्या है कि इसके इंडिकेटर बहुत हार्ड है, और बहुत इंडिकेटर साइज बहुत स्मॉल है इसका, तो इसको थोड़ा स्मूथ होना, मतलब अगर फ्लेक्सिबल हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि गाड़ी ऑफ रोडिंग है तो ये थोड़े हार्ड है। जी जी, ये होनी चाहिए। एक इसके अंदर थोड़ा मेरे को जो लगा, इसका जो सीट का पोस्चर है, इसको थोड़ा कर्वी होना चाहिए था, ये नो डाउट सीट अच्छी है, लेकिन इसको अगर कर्वी होता तो ज्यादा कम्फर्टेबल रहता। जैसे कि हिमालयन में आप देख रहे हो उसकी जो सीट है उसको कर्वी है, तो लॉन्ग रूट पे जब आप जाते हो ये यहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाती है, वो सॉफ्ट भी है, ये सॉफ्ट भी है, और यहाँ से सपोर्ट मिल जाती है अच्छी, जो आपकी रेस्ट प्रॉपर उसको कंफर्टेबल रखती है। राइट, क्या बोल रहे थे आप? कूलिंग का ऐसा है सर, ये है ऑयल कूल्ड इंजन,
ओके, इसके अंदर आपको कूलेंट डलता है। ओके, प्रॉपर इसमें रेडिएटर लगा हुआ है, जो कूलेंट का पॉइंट है इन्होंने यहाँ पे नीचे रखा हुआ है। ये इस मेरे को समझ नहीं आया नीचे मतलब किस हिसाब से लगाया, बट था जो है कंपनी की तरफ से जो लगा हुआ है। ओके, और जो हमारी हिमालयन है इसके अंदर क्या है, ये गाड़ी एयर कूल्ड है, ये एयर कूल्ड है। ओके, इसका जो एयर का कूलर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें क्या होता है कि दो पाइप लगे होते हैं, एक में से इंजन ऑयल आता है, दूसरे से एयर की वजह ठंडा हो गया एयर के साथ दूसरी तरफ निकल जाता है। ओके जी, ओके ओके, ये बेसिकली एयर कूलर और प्रॉपर ऑयल कूल्ड, वो जो अपना जज्दी हो ऑयल कूल्ड है। लो जी गाइस, अभी दोनों गाड़ियों की साउंड सुना देता हूँ। डीबी किलर यू कैन से बांसुरी मैंने एसजी एडवेंचर की निकाल दी थी क्योंकि तीन नट ही थे, ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी साउंड जो है बेटर हो गई है। और तो ठीक है सर, चलाइए जरा एक बार स्टार्ट की। देखिए गाइस, ठीक है भाजी, अब सर सुनाते हैं आपको साउंड अपने एनफील्ड हिमालयन की। ली भाजी, ये भी गाड़ी स्टॉक है, फाइनल क्या बोल रहे हैं गाड़ियों के बारे में, दोनों बारे में? भाजी गाड़ी दोनों ही बेस्ट हैं, अपने अपने जगह पे दोनों गाड़ी बहुत अच्छी हैं। कुछ जी है कमी है वो तो आखिर जब कंपनी अभी गाड़ी नई आई है तो उसके हिसाब से उसको थोड़ा थोड़ा ट्यून करेंगे अपने हिसाब से, जैसे जैसे कस्टमर रिव्यू बताएगा अपने अपने तो उस हिसाब से उसको करेंगे सर। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कोई भी क्वेरी कोई भी टेक्निकलिटी आप पूछना चाहते हैं, कोई भी राइडिंग एक्सपीरियंस, प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें सो दैट हम आपकी क्वेरी को मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।